हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेडबैंड बनाते हैं। इसको ईयर वार्मर भी कह सकते हैं और ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। इसमें मैंने 31 फंदे लिए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 31 फंदे लिए हैं, 31 फंदे लिए हैं और इसमें मैंने एक सीधी सिलाई बना ली है। सीधी सिलाई बुन ली है अब, और सेकंड रो अब उल्टी सिलाई की है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये जो लास्ट के जो दो फंदे हैं इनको नहीं बुनना है हमने। इसमें मैंने बुन दिया है, इनको वापस उतार लेते हैं। सीधी सिलाई थी तो इसमें धागा आगे करके तब इन दो फंदों को बिना बुने ही उतार लेना है। अब ये सेकंड रो उल्टी साइड, ये दो फंदे हमने जो उतारे इनको पीछे से सिलाई डाल के सीधा बुनेंगे। ये एक और ये दो। फिर जो है इसके बाद हम एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। सारी रो हम ऐसे ही एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा की बनाएंगे। फिर लास्ट के जो दो फंदे हैं धागा आगे करके इनको ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। फिर सीधी साइड में हमने इन फंदों को पीछे से सिलाई डाल के बुनना है, दोनों फंदों को, एक और ये दो। अब इसमें सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे, सारी रो सीधी बनाएंगे। ये थर्ड रो है, थर्ड रो फर्स्ट रो की तरह ही सारी सीधी बनेगी। और लास्ट के दो फंदे जो हैं सिलाई के एंड में ऐसे ही धागा आगे करके बिना बुने ही उतार लेने हैं। अब फोर्थ रो सेकंड रो की तरह बनेगी। ये दोनों फंदे जो उतारे हुए थे पीछे से सिलाई डाल के सीधे बुन लेंगे।
इनको ऐसे ही हर सिलाई में बुनना है। और फिर एक फंदा हमने सीधा बुना था तो सीधा बुनेंगे। इसके बाद फोर्थ रो में जैसे सेकंड रो में बनाया था, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, सारी रो ऐसे ही बनेगी। सेकंड और फोर्थ रो सेम, फर्स्ट और थर्ड रो सेम बनेगी। और ये सारा पैटर्न इसी तरह ही एंड तक बनाना है। लास्ट के दो फंदे ऐसे ही बुन उतारने हैं। और सारा पैटर्न यही दो सिलाइयाँ रिपीट होती जानी हैं। और ये सारा ऐसे ही बनाना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक सारा हमने, यहाँ से यहाँ तक ये सारा हमने ऐसे ही बनाना है। ये हमने बना लिया है। ये इसकी जो है चौड़ाई 10 इंच के आसपास है और जो लंबाई है ये 30 हो गई। लंबाई स्टार्टिंग से लेनी है, यहाँ से ये 30 हो गई, यहाँ पर यहाँ तक 30। और इसके बाद ये 16 के आसपास, यानी कि 30 प्लस 16 46 सेंटीमीटर है ये। और चौड़ाई जो है 10 के आसपास है, 10 सेंटीमीटर, 9.5 और 10 के बीच में। इतना बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसके फंदे बंद कर देने हैं। ये बंद कर देंगे इन फंदों को, ये इस फंदे में से निकालते जाएंगे, एक फंदे में से ये फंदा बुना, इसमें से निकाल दिया, ये फंदा बुना, इसमें से निकाल दिया, ये बुना, इसमें से निकाल दिया, सारे फंदे इस तरह से हम बंद कर देंगे। ये एक फंदा बच गया। अब हमने यहाँ से इसको काट देना है, इतना धागा, और इस धागे को इसमें से निकाल देंगे।
अब हमने इसको सिलना है, सिलना है, ये जो ऐसे बनाया हुआ है ऐसे सिलना है हमने। तो हमने क्या करना है, इसको हाफ करेंगे, सीधी साइड से ही इसको हाफ करेंगे। ये हाफ कर लिया सीधी साइड से, और इसको भी हम हाफ करेंगे, इस साइड को भी हाफ करेंगे, और इन दोनों को इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। इन दोनों को ऐसे हाफ कर लिया, हाफ, और इन इसको ऐसे यूं और फिर यूं ऐसे डाल लिया। और फिर सुई में धागा डाल लेंगे, सुई में धागा डाल लिया। अब हम इसको सिलेंगे, इसको हमने यूं सिलना है। एक बार दोबारा थोड़ा सा ऊपर से सिल लिया, इसको हम काट लेंगे और ये सीधा करेंगे। ये इस तरह से बन गया, और बहुत ही सुंदर लगेगा, और सर्दी के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है।